अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर वाले पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी, ये मैंने डीप फ्राइड वर्जन बनाया है। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप किसी भी शेप के बना सकते हैं ये वाले पराठे। आप इनको ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं और ये बेस्ट टी टाइम स्नैक है। तो वीडियो का स्किप नहीं करना, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पनीर की स्टफिंग रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून एक फ्राइंग पैन में, जिसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा और मैं इसमें राई ऐड कर दूंगी। दोनों मैंने हाफ हाफ टीस्पून ऐड किए हैं। अब आपने इसको सॉटे करना है फ्यू मिनट्स के लिए। जब ज़ीरा क्रैकल होने लग जाएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी आपने फ्यू मिनट्स के लिए कुक करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड करेंगे। एक स्मॉल साइज का अनियन मैंने फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दिए हैं, फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दूंगी साथ में। अब मैं इसको मिक्स करना है, पकाना है फ्यू मिनट्स के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर। पनीर जो मेरे पास है वो फ्रोजन वाला है और छोटे क्यूब्स की फॉर्म में होता है, तो मैं उंगलियों की मदद से इसको मैश कर दूंगी। आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ा ब्लॉक है तो आप इसको ग्रेट करके भी यूज करना। यहाँ सऊदीया में ये अलकबीर का रेडीमेड पनीर ही अवेलेबल होता है, मैं ये यूज़ करती हूँ अपनी कुकिंग में। तो पनीर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा नमक सबसे पहले। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। फिर इसमें मैं रेड चिलीज ऐड कर दूंगी, साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। फिर मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी। बस इन सारे मसालों को आप अच्छे से पनीर के साथ मिक्स करें और फ्यू मिनट्स के लिए आपने इसको मजीद कुक करना है। बस उसके बाद अब मैं इसमें धनिया के पत्ते ऐड कर दूंगी। कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद इसको बस मिक्स करें और आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमने इसको ठंडा करना है, ठंडा करके ही आप इसको यूज करेंगे। मीनवाइल हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने गंदम का आटा लिया है तकरीबन 2 कप। आप चाहें तो यहाँ मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। बेसन मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो हमारे पास ड्राई आइटम्स हैं इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब गूंदने से पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को आपने आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की मदद से आपने मसल मसल के इसको मिक्स करना है। अब मैं रूम टेम्परेचर पानी के साथ इसको गूंदूंगी। अब डो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी, ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी है। दरमियानी सी डो चाहिए हमें और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है ताकि हमें अंदाज़ा होता जाए कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। इस वाले आटे को आपने 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर गूंदना है। मैं तो मिक्स करके इसको मशीन में डाल देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से नीट कर लेती हूँ। अब डो रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 15 से 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। डो को रेस्ट देना मस्ट है, फिर पराठे बहुत आसानी से बनते हैं। तो 20 मिनट्स के बाद अब मैं इसके पेड़े बना दूंगी। पेड़े आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह के भी बनाएं। बॉल्स अगर आपने छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है, आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करते हैं आप किस साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं खुश्का लगा के इसको मैं फ्लैट कर दूंगी। अब आपने इसको अच्छे से बेल कर, जितना ये फ्लैट हो सकती है ना, आपने इसको पूरी रोटी को फ्लैट कर देना है। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग मैंने सेंटर में ऐड की है और मैं इसे चारों साइडों से फोल्ड करूंगी। अब आपकी मर्जी है, स्टफिंग आप जिस तरह भी ऐड करना चाहें। आप 2 पराठे बना के उसके बीच में भी स्टफिंग फिल कर सकती हैं, या आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं स्टफिंग ऐड करने के बाद इसे हर साइड से फोल्ड करूंगी और आपने जो कॉर्नर्स हैं ना, इसको ज़रूर सील करना है, नहीं तो स्टफिंग आपकी बाहर निकलने लग जाएगी। क्योंकि ये जो मैं वर्जन बना रही हूँ ये है डीप फ्राइड वर्जन। अगर आप इसे प्रॉपरली सील नहीं करेंगे तो ऑयल के अंदर पराठा खुल जाना है और सारी स्टफिंग ऑयल में चली जाएगी। तो मैं पहले से कॉर्नर्स अच्छे से सील कर दूंगी। अब आपने बहुत लाइट हल्के हाथों से इसको बेलना है। बहुत ज्यादा आपने दबा दबा के इसको नहीं बेलना, वरना ये पराठा टूट जाएगा। तो बस हल्के हाथों से मैं इसको बेल लूंगी, बहुत बारीक नहीं करना, बस इतनी थिकनेस काफी है। इस पॉइंट में आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल गर्म किया है मीडियम फ्लेम पे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी पराठा। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे कुक होने देना है। 4 मिनट के बाद आप इसकी साइड बदल देना। साइड बदलने के बाद आपने इसको मजीद फ्यू मिनट्स के लिए कुक करना है।
बस जब दोनों साइडों पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आप इसको ऑयल से रिमूव कर दें। तो ये लीजिए डीप फ्राइड पनीर स्टफ पराठा बिल्कुल रेडी है। यूनिक सी रेसिपी है, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।